सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड एग्जिस्ट फॉर अ लेंथ इक्वल टू 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये इसकी जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजिक्ट्री फॉलो करता है उसकी सर्कुलर ट्रेजिक्ट्री का 1.5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ। अगर ये चार्ज पार्टिकल एंटर करा तो उसकी ये कुछ ट्रेजिक्ट्री ऐसे बनने वाली है, ठीक है, और यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि ये जो उसकी रेडियस है ये आर है। क्या है उसकी रेडियस? आर है। और जो ये रीजन है, ये इसकी जिस रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये रीजन उसकी मैग्नेटिक फील्ड से 1.5 टाइम्स है। ठीक है ना, तो अगर ये रीजन इसकी रेडियस के बराबर होता, अगर ये रीजन इसकी रेडियस के बराबर होता, तो चार्ज पार्टिकल जस्ट इसको घूम टच करते हुए, बिल्कुल इससे बचते हुए बाहर आता। ऐसे ये इसकी ट्रेजेक्टरी होती अगर अगर ये जो रीजन है, ये जो डी विड्थ है, इसकी रेडियस के बराबर होती। तो अगर ये जो डी है, ये जो डी रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ना, ये डी विड्थ, अगर ये डी विड्थ इसकी रेडियस से कम हो जाए, यहाँ पे डी और रेडियस बराबर है तो जस्ट टच करते हुए निकलेगा, और अगर डी रेडियस से कम हो जाए तो चार्ज पार्टिकल को घूमने का मौका ही नहीं मिलेगा, घूम ही नहीं पाएगा, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, उसे तो टर्न करना था लेकिन वो टर्न कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट थी। तो चार्ज पार्टिकल कुछ आर्क ही कवर कर पाएगा, पूरा सेमी सर्कल कवर नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि इस रीजन में जो ये विड्थ है ये इसकी रेडियस से ज़्यादा है, तो ये आराम से अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके बाहर निकल जाएगा। और एंटर हो रहा था ऐसे, बाहर निकल रहा है ऐसे, तो एंटर हो रहा था ऐसे, बाहर निकल रहा है ऐसे, तो 180 डिग्री से जो है ये डेविएट हो जाएगा।